करते हैं पहले स्ट्रक्चर से। फर्स्ट स्ट्रक्चर तो आपको बताया था कि आपको उसको कैरेक्टराइज करना होगा। तो देखिए रिंग है, हाँ है, कंपाउंड के अंदर रिंग है, साइक्लिक, प्लेनर, एज ऑल द कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज, कॉन्जुगेटेड, पूरा सिस्टम जो है वो कॉन्जुगेटेड है। इट कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेशन ऑफ डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, पूरे सिस्टम के अंदर कॉन्जुगेशन है। एंड हाउ मेनी पाई, 4n+2π, हकल रूल को फॉलो कर रहा है। सो इट विल कंसिस्ट ऑफ 6π इलेक्ट्रॉन। तो देखिए चारों कंडीशन पूरी कर रहा है जो हमने स्टडी किया था लास्ट वीडियो में, फॉर अ कंपाउंड टू बी एरोमेटिक। तो दिस स्ट्रक्चर और कंपाउंड विल बी एरोमेटिक इन नेचर। और ये बेंजीन है, हम जानते हैं कि ये कैसा होता है, एरोमेटिक इन नेचर। बात करते हैं अगले स्ट्रक्चर की, तो हम लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर रिंग है, तो हम लोग बोलेंगे रिंग है या साइक्लिक जो आपको मन करे, रिंग है। फिर हम लोग बात करेंगे प्लेनर है, तो आपने कहा कि हाँ प्लेनर भी है। फिर आपने कहा कि बताइए कॉन्जुगेशन है कि नहीं है, तो आपने कहा डबल सिंगल अल्टरनेशन ऑफ डबल बॉन्ड इज देयर, सो द सिस्टम इज कॉन्जुगेटेड। तो आपने कहा कि ये कॉन्जुगेटेड भी है। फिर हमने चेक किया कि भाई बताइए हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो आपने कहा कि सर इट कंसिस्ट ऑफ 4π इलेक्ट्रॉन्स, और 4π इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं तो ये बन जाएगा एंटी एरोमेटिक। ये हम जानते हैं दिस स्ट्रक्चर विल बी एंटी एरोमेटिक। ए ए बोले तो एंटी एरोमेटिक, ए बोले तो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक विल बी ए ए। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए दो रिंग जुड़ी हुई हैं, तो ये देखिए कंपाउंड कैसा है, रिंग है, रिंग कंसिस्ट कर रहा है। यू कैन राइट हियर ऑल्सो साइक्लिक, कंपाउंड साइक्लिक है। उसके बाद आप क्या बोलेंगे, प्लेनर है, ऑल द कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज, सो द होल स्ट्रक्चर इज प्लेनर। उसके बाद बात करेंगे कॉन्जुगेशन है, तो हमने देखा कि द होल सिस्टम इज कॉन्जुगेटेड। एंड हाउ मेनी पाई, डबल सिंगल डबल काउंट करिए। आपको बताया था लास्ट वीडियोस में कि एक डबल बॉन्ड जो होगा इट विल बी कंसिडर्ड एज 2π इलेक्ट्रॉन। तो काउंट करते हैं, देखिए 2π, 4π, 6π, 8π, 10π इलेक्ट्रॉन्स। और 10π इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो सिस्टम आपका कैसा होगा, दिस इज एरोमेटिक। सो ए विल बी हियर। आप देख सकते हैं कि साइक्लिक है, हाँ स्ट्रक्चर जो है वो हमारा साइक्लिक है। आप देख सकते हैं कि उसमें क्या ये स्ट्रक्चर प्लेनर है, तो आप काउंट करिए, चेक कीजिए, पॉज कीजिए। The whole carbons are sp2 hybridized, और जब sp2 hybridized होते हैं तो वो planar होता है। उसके बाद बात करते हैं क्या इसके अंदर conjugation है, तो देखिए इसके अंदर conjugation आपको दिखाई दे रहा होगा, alternation of double bond is there, so whole system is conjugated। And how many pi electrons, तो आपने कहा कि सर देखिए यहाँ पर 2π, 4π, 6π, 8π, 10π, 12π और 14π। आप जानते हैं एक डबल बॉन्ड जो इक्वल होगा, इट विल कंसिस्ट ऑफ 2π इलेक्ट्रॉन, 2π इलेक्ट्रॉन होते हैं डबल बॉन्ड में, तो यहाँ पे 14π इलेक्ट्रॉन है। और ये चारों कंडीशन जो है दीज आर मेंट फॉर ओनली एरोमेटिक, सो दिस स्ट्रक्चर विल बी ऑल्सो एरोमेटिक इन नेचर। आइए बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं द पहली कंडीशन है कि यहाँ पे रिंग है, हाँ रिंग है, साइक्लिक है। उसके बाद बात करेंगे कि क्या ये प्लेनर है, तो ये प्लेनर है। फिर बात करेंगे क्या इसमें कॉन्जुगेशन है, सो कॉन्जुगेशन भी आप देख सकते हैं, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी लोन पेयर, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी लोन पेयर। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो हम लोग का लास्ट वीडियो देख सकते हैं, उसमें बताया था कि दिस इज द इसेंशियल कंडीशन फॉर कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन कैसे होता है ये हम लोग बता चुके हैं, जो लोग लगातार देखते आ रहे हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप राइट से जाइए, आप लेफ्ट से जाइए, हर तरफ से आपको कॉन्जुगेशन मिलेगा। करते हैं हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन, तो फोर्थ कंडीशन यहाँ पे काउंट कीजिए। सर ये देखिए कॉन्जुगेशन होने की वजह से ये लोन पेयर अंदर रिंग में उतर जाएगा,
और जब ये रिंग में उतर जाएगा तो ये कॉन्जुगेशन में आ रहा है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा। तो आप ही बताइए कि पहले तो आपके दो पाई थे रिंग के अंदर, अब ये भी रिंग के अंदर उतर गया तो ओवरऑल स्ट्रक्चर के अंदर कितने पाई हुए? तो आंसर रहेगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और सर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो आप जानते हैं दिस विल बी एंटी एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक होगा। इसकी बात करते हैं तो देखिए फिर से साइक्लिक है, हाँ साइक्लिक है, प्लेनर है तो हाँ बोलेंगे प्लेनर भी है। उसके बाद बात करेंगे कि सर देखिए इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कॉन्जुगेशन है तो आप बोलेंगे हाँ ये कॉन्जुगेटेड है। हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन, तो आप जानते हैं डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में कि एक और इलेक्ट्रॉन जो होता है ये 1 पाई के इक्वल होगा, सो एक डबल बॉन्ड हो गया 2 पाई के इक्वल, तो ओवरऑल 4 पाई और ये हो गया 5 पाई बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्जुगेशन। आप देख सकते हैं ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी लॉन पेयर, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी लॉन पेयर, तो ये कॉन्जुगेशन का पार्ट है और ये इस रिंग में काउंट होगा। तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे यहाँ पर है इट कंसिस्ट ऑफ 5 पाई इलेक्ट्रॉन, सर इसके अंदर 5 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो आप ही बताइए जब 5 पाई इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा इट विल बी नॉन एरोमेटिक, तो ये स्ट्रक्चर बच्चों नॉन एरोमेटिक होगा। इसकी बात करते हैं देखिए साइक्लिक है, तो आपने कहा कि सर साइक्लिक है, फिर आपने कहा कि सर बताइए क्या ये प्लेनर है, तो मेरा आंसर है नॉन प्लेनर है ये, नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर क्यों है सर ये, क्योंकि यहां पर यू कैन सी बिकॉज दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज, और आप जानते हैं कि एस बीइंग sp3 हाइब्रिडाइज दिस कार्बन विल बी नो मोर इन कॉन्जुगेशन, ये कॉन्जुगेशन में नहीं रहेगा। और जब सिस्टम के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर एक कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज हो जाता है तो वो स्ट्रक्चर कहलाता है नॉन प्लेनर, और नॉन प्लेनर है तो ये कॉन्जुगेशन यहाँ पर नहीं होगा, तो सिस्टम हो गया आपका नॉन कॉन्जुगेटेड। और उसके बाद कोई भी चीज मीनिंग नहीं रखती कि कितने पाई है, वैसे देखना चाहे तो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने से यहाँ पर अब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि ये नॉन प्लेनर और नॉन कॉन्जुगेटेड हो चुका है। सो दिस कंपाउंड विल बी नोन एज नॉन एरोमेटिक, ये आपका नॉन एरोमेटिक होगा। क्लियर है आपको, आगे बढ़ते हैं। तो सर यहां पर रिंग नहीं है, ये ए साइक्लिक है। उसके बाद आप यहां पे देखिए कि क्या यहां पे कॉन्जुगेशन है, तो आपने कहा यस इट कंसिस्ट ऑफ कॉन्जुगेशन, यहां पे कॉन्जुगेशन है। फिर आपने देखा कि यहां पर प्लेनर है, तो आपने कहा यस इट इज ऑल्सो प्लेनर इन नेचर बिकॉज ऑल द कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज। फिर उसके बाद आप बात करते हैं हाउ मेनी पाई, देखिए 2 पाई 4 पाई 6 पाई 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सर लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था फॉर अ कंपाउंड टू बी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक रिंग का होना जरूरी है, भूलिएगा नहीं, रिंग है तभी वो एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक वाली कैटेगरी में जाएगा, अगर रिंग है तो वो एरोमेटिक में या नॉन एरोमेटिक में बिल्कुल भी नहीं जाएगा। कितने भी पाई हो प्लेनर हो सब मीनिंगलेस हो जाता है अगर रिंग नहीं होता है, प्लीज बी केयरफुल। अब यहाँ पे देखिए ए साइक्लिक है, रिंग नहीं है, तो सर ये आपका ना तो एरोमेटिक है और ना ही एंटी एरोमेटिक है, तो उसकी क्लास कौन सी होगी, आप जानते हैं दिस विल बी नॉन एरोमेटिक। आगे बात करते हैं इस स्ट्रक्चर की, देख सकते हैं आप यहाँ पर साइक्लिक, हाँ सर साइक्लिक है। उसके बाद आप बात करेंगे कि सर क्या यहाँ पर ये प्लेनर है, तो ये प्लेनर भी है। फिर उसके बाद आप बात करेंगे कि सर बताइए यहाँ पर कॉन्जुगेशन है, तो आप चेक कर सकते हैं फ्रॉम ईच एंड एवरी एंड, राइट साइड से जाइए लेफ्ट साइड से जाइए, यहाँ पे आपको कॉन्जुगेशन मिलेगा डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी प्लस चार्ज, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी प्लस चार्ज, तो यहाँ पर एक कॉन्जुगेशन का पार्ट है एंड इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो यू नो वेरी वेल, आपको क्लियर होगा दीज ऑल 4 कंडीशंस आर इसेंशियल फॉर अ कंपाउंड टू बी एरोमेटिक, तो ये एरोमेटिक होगा। अब बात करते हैं इसकी, यहाँ पे देखिए ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप,
तो ये यहां से लेके यहां तक ये अल्टरनेशन और डबल बॉन्ड है, आप कह सकते हैं कि यहां से लेके यहां तक आपका सिस्टम कॉन्जुगेटेड है। उसके बाद देखिए ए डबल बॉन्ड बी, सिंगल बॉन्ड सी, लोन पेयर, तो ये भी कॉन्जुगेशन के अंदर आ रहा है। लेकिन बस सर इसका क्या कीजिएगा, ये तो sp3 हाइब्रिडाइज है, दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज, और प्रभु ये sp3 हाइब्रिडाइज होगा तो ये प्लेन से बाहर चला जाएगा, और जब ये प्लेन से बाहर चला जाएगा द सिस्टम विल बी नॉन कॉन्जुगेटेड। तो ये फीचर्स देखते हैं इसकी, साइक्लिक है, हाँ ये साइक्लिक है। उसके बाद बात करते हैं कि क्या ये प्लेनर है, तो सर ये नॉन प्लेनर है because it consists of one of the carbon is sp3 hybridized, one of the carbon is sp3 hybridized, non-planar ho chuka hai. Baat karte hai conjugated hai, to mera answer hai non-conjugated. Is system ke andar, is structure ke andar, pure system mein conjugation nahi hai, non-conjugated mein count ho gaya. How many pi, to aap dekhte hai ki yahan pe it will consist of 5 pi electron, to isme 5 pi electron honge kyunki ek lone pair ek odd electron, it's a odd electron not lone pair, तो ये odd electron जो free radical है ये 1 pi में count होगा, तो 5 pi electron है, that's why this will be, हाँ जी बताइए, this will be non-aromatic। इसकी बात करते हैं सर, पहले फीचर्स ले लेते हैं फिर बात करेंगे, क्योंकि फीचर्स से ही अगर आप करेंगे तो आपका स्ट्रक्चर हमेशा सही होगा। साइक्लिक है, हाँ साइक्लिक है, तो ये देखिए प्लेनर भी है, तो आपने कहा हाँ ये प्लेनर भी है। मैंने पूछा कि बताइए क्या कॉन्जुगेशन है, तो आपने कहा यस इट इज कॉन्जुगेटेड, यहाँ पे कॉन्जुगेशन है। देखिए ए डबल बॉन्ड बी, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ए, तो आप देख सकते हैं यहां से लेके यहां तक अल्टरनेशन ऑफ डबल बॉन्ड है, तो ये कॉन्जुगेशन है यहां पर। लेकिन ऊपर की तरफ चेक करना बाकी है, तो चेक करते हैं ए डबल बॉन्ड बी, सिंगल बॉन्ड सी प्लस चार्ज, हाँ यहां से कॉन्जुगेशन में आ रहा है। इधर से बात करते हैं ए डबल बॉन्ड बी, सिंगल बॉन्ड सी प्लस चार्ज, कॉन्जुगेशन। तो आप लेफ्ट से जाइए राइट से जाइए, ये कॉन्जुगेटेड है। अब बात करते हैं हाउ मेनी पाई, तो आप काउंट कीजिए, इट विल कंसिस्ट ऑफ 6 पाई इलेक्ट्रॉन, बस हो गया, ये चारों कंडीशन पूरी कर रहा फॉर अ कंपाउंड टू बी एरोमेटिक, दैट्स व्हाई दिस इज एरोमेटिक इन नेचर, सर ये एरोमेटिक होगा। अब बात करते हैं इस स्ट्रक्चर की, तो आइए थोड़ा फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो फीचर्स में हमने देखा कि क्या ये साइक्लिक है, आपने कहा साइक्लिक है। मैंने पूछा क्या ये प्लेनर है, तो आपने कहा ये हाँ ये प्लेनर है। मैंने पूछा कि क्या कॉन्जुगेशन है, आपने चेक किया यस इट इज कॉन्जुगेटेड, ये कॉन्जुगेटेड है। उसके बाद बात करते हैं हाउ मेनी पाई, तो आप देख सकते हैं सर यहाँ पे कितने पाई है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। सो दीज ऑल कंडीशंस आर क्लियर, ये यहाँ पे क्लियर करता है कि ये कंपाउंड कैसा होगा। सर ये होगा आपका एंटी एरोमेटिक। इसकी बात करते हैं सर, इस कंपाउंड को ध्यान से देखिए, ये आपका सीडो एरोमेटिक कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर इसके स्टार्टिंग में इसका कॉमन नेम था सीडो एरोमेटिक, की क्लास बनाई थी लोगों ने, तो उसमें ये कंपाउंड भी इन्वॉल्व था। अब बात करते हैं इसकी फीचर्स की, तो हमने फीचर वाइज जैसे ऊपर किया वैसे ही जाएंगे। साइक्लिक है, हाँ ये साइक्लिक है, क्या ये प्लेनर है, तो आप देख सकते हैं ऑल कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, सो इट विल बी प्लेनर। उसके बाद बात करते हैं क्या यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, तो आप देखिए यस इट इज होल ऑफ द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। उसके बाद